नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे। आज हम चलते हैं हिमालय की हसीन वादियों में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, सिखों का जो सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। तो हम ये चल पड़े हैं विश्राम गृह की ओर से। पुष्पावती वन विश्राम गृह में हम रुके थे और ये घांघरिया में स्थित है। तो यहाँ से हम चल दिए हैं। हमारी यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है शुरू हो गया है। ये घांघरिया की मार्केट क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं। ये घांघरिया की मार्केट है, छोटी छोटी स्टॉल्स हैं जगह जगह पे। 10,200 फीट। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब के मार्ग की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पर। हेमकुंड साहिब जो है वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों का एक मशहूर तीर्थ स्थान है। और यहाँ जाने के लिए हम घोड़े से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरी उम्र इस समय 58 साल है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा ट्रैक पैदल नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने घोड़ा हायर कर लिया है और ये घोड़े से मैं चल पड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड भी जाने का जो टूर है वो ऐसे करेंगे, लौटने समय हम सभी पैदल आएंगे। तो इस तरह से हम इस अपने टूर का आनंद लेंगे। हेमकुंड साहिब की वर्तमान स्थान की जो खोज है उसके पीछे टेहरी गढ़वाल के संत सोहन सिंह थे, जो सेना से सेवानिवृत्त ग्रंथी थे। वह अपने काम में भाई वीर सिंह द्वारा किए गए विवरण से इतना प्रेरित हुए कि 1934 में बाबा करतार सिंह बेदी के साथ उस स्थान का उन्होंने दौरा किया। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु में तो जून से जो प्रारंभ होता है और मानसून होता है इस समय होता है, सितंबर मध्य से अक्टूबर शुरू में तक ये यात्रा की जा सकती है। इसके बाद यहाँ बर्फ़ जम जाती है। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बर्फ़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एवलांच आया था कुछ समय पहले, तो यहाँ कैजुअल्टी भी हुई थी, कुछ लोग इसमें हताहत हुए थे। तो ये काफ़ी रोमांचक मार्ग है और इसको हम पार करते हुए अब पहुँच गए हैं हेमकुंड साहिब में और सरोवर के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरोवर इस समय हम कोहरे की वजह से देख नहीं पा रहे हैं, कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत ये जगह है। यहाँ बहुत आनंदमय वातावरण है। पहुँच गए हैं हम हेमकुंड साहिब के पवित्र दर्शन करने और ये है गुरुद्वारा। अरदास हो रही है, बड़ा अच्छा सा माहौल है यहाँ पर, स्पिरिचुअल फील हो रहा है बहुत। और ये देखिए पहाड़ियाँ हैं। और इनकी ताजपोशी हो रही है यहाँ पर। ये सरोवर है पर इस समय कोहरे से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हम लोग घोड़े से आए थे तो हम पहले पहुंच गए, तो ये मनीष अब पहुंच रहा है। देखिए, लंबे रास्ते से, पैदल रास्ते से, और पहुंचने पर हम लोगों ने ग्रीट किया। साथ ही अब ये पीछे से मनु भी आ रही है, मिठिया हमारी। बहुत लंबा सफर इन्होंने तय किया, बधाई के पात्र हैं। गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद हमने कुछ घूमा, उसके बाद मनीष और मनीष के पापा ने यहाँ पर डुबकी लगाई। देखिए, लोग डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये भी एक आनंददायी अनुभूति है। इसके बाद गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश किया हमने और गुरुद्वारे में बैठे काफ़ी देर हमने गुरुद्वारे में आनंद लिया, शब्द कीर्तन सुने। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर जो यहाँ का एक पवित्र मंदिर है, उसके दर्शन किए हमने, पूजा अर्चना की और लौट गए हम वापस अपने घांघरिया की तरफ। लगभग 2 घंटे हमने यहाँ पर व्यतीत किए और बहुत सुखमय वातावरण था, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। लौटते हुए कोहरा तो है, फिर भी काफ़ी रमणीय दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बहुत सुंदर वनस्पति है, लगभग फूलों की घाटी में पाए जाने वाले अधिकांश फूल यहाँ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू पॉपी है,
और ब्रह्म कमल देखिए यहाँ देखने को मिला हमें, और ये वज्रदंती खिली हुई थी यहाँ पर, और भी बहुत सारे फूल यहाँ पर खिले हुए हैं जिनका हमने बहुत आनंद लिया। इसी तरह घूमते फिरते मस्ती करते हुए, थकते हुए, खाते हुए, पीते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अब हम वापस लौट रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ थक चुके हैं लेकिन अपने जेहन में बहुत खूबसूरत यादें लेकर लौट रहे हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसी प्रकार के अन्य ब्लॉगों के लिए बने रहिए, देखते रहिए और लाइक करते रहिए।